से आदाब के दाऊ फिर सारे वक्त और हमारा नया ब्लॉग अरमान ने खत्म हो गया, पूरा फेज ही खराब कर लिया। फ्रेंड्स सत श्रीकाल नमस्ते आदाब के दाऊ फिर सारे वेलकम टू आरएसटी ब्लॉग्स। तो आज नया दिन नई शुरुआत, धूप निकली है और हमारा नया ब्लॉग अरमान ने की है स्केच पेन से अपने मुंह पे पेंटिंग। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो ये ऐसा बदतमीज है, एक दिन में नहीं बना पाया लेकिन इसने आज तो मतलब मुछे सी बना रखी है अपनी, लेकिन एक दिन अरमान ने अपना पूरा फेस ही खराब कर लिया था। ऐसा है वो ब्लॉग इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मैं उस दिन घर पे नहीं था। अरमान क्यों करते हो बाबू ऐसे बेटा काम? और ये स्केच पेन का जो ये होता है फेस पे या कहीं भी लगा लो बड़ी मुश्किल से हटता है ना यार। आज मम्मा ने बनाई है खाने में कचौरियाँ, अब मैं इसको खाऊंगा। गरम है बहुत टेस्टी है। गाइस आज मैंने इतनी फुटबॉल खेली आप अंदाजा लगा ही सकते हो कितना पसीना आ रहा है इतनी ठंड में। और अभी मैं प्रैक्टिस करके आया था थोड़ा पानी पीने, तो मैं मिलता हूँ आपसे फुटबॉल खेलने के बाद। अयान की मम्मा बना रही है पनीर के पराठे मार्केट से आके, और अरमान पता नहीं क्यों गुस्से हो रहा है यहाँ पे अपनी मम्मी से। क्या चुंगम नहीं दे रहे आपको? बस बेटा बाबू ज्यादा नहीं खाते, बाबा चुंगम नहीं खाते, गंदी बात है बेटा, नहीं खाते उसको। आपका था? अच्छा दे दो भाई इसको चुंगम दे दो। नहीं दे रहे? ओ फिर क्या करें अब? चलो छोड़ो, कल मार्केट जाएंगे ना दूसरा ले आएंगे, वो खराब हो गया था बाबू, गंदा हो गया था वो। आजो मेरे बेटे। गाइस अभी मैं निकालूंगा एक ड्रम की आवाज, सुनिए आप। कैसे लगे आपको ये ड्रम? बेटा ये आपने पजामा क्यों कर रखा है ऊपर? हाँ बाबू क्यों कर रखा पजामा ऊपर है? अयान क्यों किया हुआ पजामा ऊपर? सुपरमैन बन रहा है और अब होएगी सुपरमैन, अरमान है सुपरमैन, मैं हूँ स्पाइडरमैन। यस तो पजामा ऊपर करके क्या मतलब भाई, समझा नहीं बात। स्पाइडरमैन जैसे पैंट पहनता है उसके ऊपर वो लाल लाल वो पहन लेता है ना चड्डी। हाँ ये करा हुआ है इसने। तो इसको इसके इसकी चड्डी पहना देते ना, इसके ऊपर पजामा ऊपर करने की क्या लोड़ थी? बदतमीज है ये भी अरमान, एक नंबर का, उल्टे फुलटे काम करते हैं। बूम 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 बूम। फ्रेंड्स घर पर मैं हूँ अभी अकेला, आयान गया है ट्यूशन, आयान के ट्यूशन का आज पहला दिन है और मैं इंतजार कर रहा हूँ अभी आयान का कि कब आएगा, और कब मैं आयान से पूछूंगा कि आज आपके ट्यूशन का पहला दिन था तो ट्यूशन का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। तो आई एम वेटिंग फॉर आयान कब आएगा, और अरमान अभी सो रहा है, हम दो ही है घर पे, अकेला ही समझ लो क्योंकि वो तो सो रहा है। चिकन चिल्ली भी नहीं हो रही है घर पे क्योंकि बच्चे नहीं है, तो वेट करते हैं अभी आयान का। फाइनली अरमान उठ चुका है, मैं अकेला बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, टीवी लगाई थी ABCD2 मूवी चल रही थी, मैं वो देख रहा था, लेकिन इसको देख के भी बहुत ज़्यादा बोर होता, कितनी बार देख चुका हूँ। तो फाइनली हमारे छोटे बबुआ उठ चुके हैं, ये बबुआ है बबुआ उठ गए हैं, अब हम थोड़ा सा मौज मस्ती करेंगे। और अरमान का वेट अभी भी, अयान का वेट अभी भी हो रहा है, सॉरी, और पता नहीं कब आएंगे। अरमान भैया तो ट्यूशन चले गए, ट्यूशन गए बेटा आज फर्स्ट, मतलब वैसे तो काफ़ी बार लेकिन आज फर्स्ट ट्यूशन था। एक्सपीरियंस पूछेंगे जब आएंगे कि कैसा रहा, है ना। अभी वासिया चल रहे बुबू पियोगे कि जब भैया आएंगे साथ में पियोगे? दोनों साथ में पियोगे, ओके।
तो भाई आयान को ट्यूशन गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, आयान अभी तक ट्यूशन से नहीं आया। आयान के मम्मी भी बाहर से घर आ गए थे, कहीं बाहर गए थे काम से, तो आयान के मम्मी वहीं चले गए। भाई मैं देखती हूँ आयान अभी तक ट्यूशन क्यों नहीं आया। तो ट्यूशन में हमने कॉल की थी आयान के मम्मी को, गए हुए भी वहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया था, कि भाई मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो वहाँ वहाँ पर बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं और मैं और अरमान यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि अब आएँगे अब आएँगे। तो फ़ोन किया था अभी आ रहे थोड़ी देर में। तो फाइनली आयान भी ट्यूशन से घर पहुंच चुका है और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं मार्केट। और आयान के ट्यूशन के बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा वो घर आके हम पूछेंगे, या मार्केट में कहीं खुली जगह मिल गई तो वहीं पूछ लेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं सब्जी मंडी और आयान के मम्मी है सब्जी लेने, और मैं आयान को पकड़ के यहाँ पर खड़ा हूँ, नहीं तो इधर उधर भागता है। हम लोग मार्केट से घर पहुंच चुके हैं और अब हम आयान से पूछना चाहते हैं कि आज आपका ट्यूशन का पहला दिन था, तो आपका ट्यूशन का पहला दिन कैसा रहा? मेरा ट्यूशन का पहला दिन गाइस बहुत अच्छा गया, मुझको बहुत खुशी हुई कि मैं ट्यूशन गया और मुझको इतना मजा आ रहा था, मैं सोच रहा था 2-3 घंटे में और ही पढ़ लेता हूँ। और भी बच्चे थे? हाँ और भी बच्चे थे। मार्केट से लाए थे हम जलेबियाँ और हम लोग खा रहे हैं जलेबियाँ, अरमान भी खा रहे हैं। मुंह से बाहर निकल गया, मेरे को भी दे दो अरमान जलेबी। अरमान ये रहा। आप अरमान हो ना, तो ये कौन है? अरमान। आप वो अरमान, ये थोड़ी है अरमान। अरे देखो तो आप अरमान, आयान और अरमान, मैं दोनों को बोल रहा हूँ आपको, आप दोनों ऐसे कर सकते हो कैसे, देखिए देखिए, रुको रुको। एक मिनट कुछ कर रहे हम। अब हाथ मत हिलाओ ना। चिड़िया 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 होती है ऐसे बगुए से। ये बेटा सॉक्स जो है ना ये पाँव में पहनते हैं, हाथों में नहीं पहनते। अरमान ये सॉक्स पाँव में पहनते हैं, हाथ में नहीं पहनते। आयान इसने हाथ में क्यों पहन रखे ये बाबू? एक्शन का मेन बन रहा है, एक्शन का मेन बन रहा है ये बच्चा। फ्रेंड्स हमारी वीडियो 4-5 दिन बाद या हफ्ते बाद आती है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। वो इसलिए आती है कि मैं जॉब भी करता हूँ और बीच बीच में जब मेरे को टाइम मिलता है ब्लॉगिंग करने का तो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, छोटी छोटी क्लिप पे तैयार करके फिर एडिटिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ। क्या बनाया दिखाओ? वाओ क्या बनाया अरमान? वाओ आपने बनाया बाबू? हाँ। वाओ ठीक है, कब बनाया? ओके ये देखो ड्राइंग है, ड्राइंग वेरी गुड। ये है अरमान की ड्राइंग, ड्राइंग की ना अरमान आपने, क्या बनाया आपने ये? ये क्या? अच्छा नाम नहीं आपको पता, ये बनाया बस? ये नाम मेरा। ओके
वेरी गुड। आई होप फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सबसे जरूरी और अहम बात, अरे रुको तो सुनो तो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय बाय।